ये देखिए दोस्तों इसकी डिजाइनिंग, मछलियां लोग जो है ऐसे अंदर जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। ये देखो भाई इतना बड़ा वाला मिला है, ओ मजा आ गया मजा आ गया। बहुत बड़ा है मछली और ताकत भी है बहुत ज्यादा इसमें ना, बहुत ही बड़ा मछली है, मजा आ गया। आयर मास आ जा भाई, हम लोग तो बहुत लकी है ना। तो एक मछली जो है हम लोग बोट के ओनर को देके जा रहे हैं, यहाँ पे मछली को जो है एकदम पीस पीस कर दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है और हम लोग जाएंगे अभी उस पार में, उसके बाद आज जो है जाएंगे मछली पकड़ने के लिए। तो हमारे क्रीवा भाई लोग जो है ऐसे वाले धूप कहते हैं हम लोग इसे, बम्बू से बनाया हुआ, वो पानी में ऑलरेडी फेंक के रखे हुए हैं भैया लोग और क्रीवा भाई लोग। तो जाएंगे ना, अभी हम लोग जा रहे हैं और हम ही नहीं हमारे साथ साथ आप लोगों को भी लेके जाएंगे। हाँ लेके जाएंगे और मछली मिलेगा ना आज, बढ़िया बढ़िया मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं लेकिन मिलना चाहिए, आपको जरूर दिखाएंगे। हाँ बड़े बड़े वाले मछली एकदम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाले मिलते हैं और टेस्टी भाई, टेस्ट में भाई गजब एकदम, हमारे उधर के कंपेयर में इधर में डबल टेस्ट है भाई। मैं पहली बार जब जिस दिन आता इतना लकी था उस दिन मछली खाने मिला, तो आज आप लोग को कैसे पकड़ते वो सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी हम नदी पार में पहुंच चुके हैं, उस पार में जाएंगे सबसे पहले, वहाँ पे फोन वगैरह चार्ज पे है तो वहाँ पे क्रीबा भाई अपना फोन लेके आएगा। तो मैंने बोला है कि उसको भी अपना चैनल खोलना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। एक्चुअली पहले उसका चैनल था लेकिन उसका एक्सेस जो है खो चुका है और पासवर्ड वगैरह सब कुछ भूल चुका है तो उसको रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो मैंने बोला कि अभी से बनाना स्टार्ट करो और जेरी का जो पुराना वाला फोन था उसी से अभी इसको बनाने के लिए कह रहा हूँ, तो आज से ये भी बनाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका चैनल का, आप लोग जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और आज जो मछलियां पकड़ने जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल ऐसे वाले हैं दोस्तों, इसे धूप कहते हैं और इसे जो है नाले पे इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे रखा जाता है। मछलियां जब ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे घुसते हैं और उसके बाद निकल नहीं पाते हैं, बिल्कुल अंदर में फंस जाते हैं। तो वही वाला हम लोग उठा के लेके आएंगे आज मछलियां। तो हम इस पार में आ चुके हैं और इस वाली बोट को देखो, सुबह तक पानी जो है यहाँ तक था इसलिए ये पूरा मिट्टी में चला गया, अभी पूरा पानी सूख रहा बहुत जल्दी से। अभी इस पार में आके जो है यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि दुकान जो अभी तक खोला नहीं, सब मंदिर में गए हुए हैं। तो वहाँ से आने के बाद दुकान खोलेंगे और हम अपना फोन लेके जाएंगे यहाँ, इस साइड में जाना है हमें, जो भी मछलियाँ वगैरह है उधर में मिलेंगे हमें। तो अभी जो है दुकान भी खुल चुका है, हम लोगों ने जो है फोन वगैरह भी ले लिया, अभी क्रीवा भाई को भी ब्लॉग बनाने दूंगा। चलो स्टार्ट करो, अभी मैं देखूंगा इसको, मैं गाइड करूंगा। चलो स्टार्ट। हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हाँ गुड। तो एक्चुअली मैं क्रीवा भाई को जो है ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ, अभी से फिर से शुरू करेंगे ये, तो आप लोग बस देखते रहना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने चैनल पे भी। अभी सभी लोग बैठ चुके हैं बोट में, अभी फिशिंग करने के लिए जाएंगे हम लोग, बस बहुत ही मजा आने वाला है। और यहाँ पे मैं यहाँ का बर्मिस प्रोडक्ट पीते हुए जा रहा हूँ, बहुत मजा आ रही है, तमारीन का जूस। चलो मजा आएगा ना, मजा आएगा। हाँ ये देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं एशिया पीते हुए जा रहे हैं, इन लोगों के लिए एशिया लिया मैंने और मेरे लिए ये वाला लिया है, ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। अभी रूपम भाई बहुत सलाह सिखा रहे हैं और मैं उसको वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी रूपम भाई बहुत सलाह रहा है और मैं बन गया कैमरामैन। अभी मजा ही आ गया दोस्तों, पहली बार लाइफ में मैंने बोट चला के देखा, काफी मुश्किल है, एकदम हार्ड था बट चलाया मैंने। और अभी मछलियां मिलने वाले हैं, ये देखो जो रस्सियां दिख रहे हैं ना वो व्हाइट व्हाइट वाले, इसमें सब जो है मछली पकड़ने वाला जो धूप है वो लगाया गया है। ये देखो पूरा रस्सियां ही रस्सियां हर तरफ में, और आगे जाना पड़ेगा हमें मछली पकड़ने के लिए। वहां पे कुछ बच्चे देखिए दोस्तों, इतने छोटे छोटे बच्चे पूरा बोट में भाई नाव चला रहे हैं इतने बड़े पानी में। अभी भैया लोग जो है यहाँ आधे रास्ते पे रुकेंगे, हम लोग को और आगे जाना है ना मछली के लिए, ज्यादा नहीं थोड़ा दूर, अच्छा एक दो मिनट का रास्ता है और। तो भैया लोग यहाँ पे वेट करेंगे हमारे लिए, ये लोग कुछ अलग काम से आए हैं। तो अभी जो है एक्चुअली हमें लेके जाएगा क्रीवा भाई सबसे पहले जूम कल्टीवेशन दिखाने के लिए, यहाँ पे जूम की खेत कैसे होती है। तो ये लोग के जो मम्मी पापा लोग मतलब वो लोग खेत किए हुए हैं, तो वहाँ पे जाएंगे देखेंगे कैसे होती है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हुई है, उसके बाद ही जाएंगे ना मछली पकड़ने। तब तक मछलियाँ भी अंदर घुस जाएंगे ना धूप में। चलो और यहाँ पे देखो एक घर, बम्बू के पट्टों से बनाया हुआ घर, और आगे जाएंगे, ये भी छोटा मोटा गाँव है शायद, ये देखो बम्बू के पट्टों से बनाया गया है ये पूरा रूप जो है। वाह क्या जिंदगी है यार। तो
तो एक्चुअली ये जो है ये लोग का पुराना गांव है, पहले जो है ये लोग यहीं पे थे। और यहां से कब जाने मिला भैया वो नया गांव में? 2019 में, रिसेंटली ही। ये देखो एक्चुअली पुराना मतलब ये गांव था, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह थी, लेकिन यहां मेजोरिटी जो है वो मिजो ट्राइब की है। तो वो लोगों ने बोला कि यहां पे तुम लोग मत रहो, दूसरे जगह पे जाओ। तो मजबूरन ये लोग को जाना पड़ा क्योंकि ये लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, ओपोस भी नहीं कर पाते, तो इस कारण दूसरे जगह पे शिफ्ट हुए और वहां पे फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं मिल रही। ये है हमारा स्कूल था, ये पुराना वाला ना। अच्छा ये देखो पुराना वाला स्कूल, इसमें गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। अभी इसमें देखो पूरा सुअर लोग क्या कर रहे हैं, क्या जिंदगी है दोस्तों। देखिए सुअर लोग पड़े हुए हैं, अभी ये लोग एजुकेशन ले रहे हैं। देखो सुअर लोग एजुकेशन लेंगे मिजोरम में अभी। तो यहाँ पे रहा अपना पुराना स्कूल जो है, ये कृपा बाई लोग का पुराना गांव। और यहीं पे जो है खेत है, जुम्मा कल्टीवेशन। आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है ऐसे वाले खेत में। तो ये टेरो रूट्स जो है ये कुचू कहते हैं हम लोग जिसे, और ये हम अपने लैंग्वेज में अमीले कहते हैं, बट आई डोंट नो इंग्लिश में क्या कहते हैं। और ये तो रहा धान की खेत, और इसमें अभी धान निकल आ रहे देख सकते हैं। और ये जो धान की खेत होती है ये एक एक करके मतलब पूरा दाव से ऐसे खोट के हम लोग जिसे कहते हैं हुजोना ना, हाँ हम लोग हुजोना कहते हैं। तो वो करते हाँ तलवार में मिट्टी को खोट के उसमें धान को डाला जाता है। अच्छा ये देखो पूरा पहाड़ की मतलब चोटी पे इसे जो स्लोप है सब में किया गया है, बहुत ही डेंजर है। यहाँ पे पता नहीं लोग कैसे काम भी कर लेते, हमसे तो चरा भी नहीं जाता ये लोग काम करते। तो अभी हम थोड़ा बहुत जाके देख लेते हैं, वैसे नहीं हो पाएगा यार, 90 डिग्री है बिल्कुल, कैसे जाए लोग यहाँ पे कैसे काम कर लेते हैं यार, हमसे तो चरा भी नहीं जा रहा है। देखो ना बिल्कुल 90 डिग्री है, बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे अगर धान पकती है तो कैसे करेंगे इसका? इसका मैंने एक ब्लॉग देखा था, इसी वाली जगह पे धान काट रहे थे, कैसे करते रहते यार। अरे बाबा बहुत ही डेंजर है, मुझसे ऊपर नहीं चला जाएगा भाई, नहीं होगा। मैं गया था एकदम पावर लेके 100% ऊपर चढ़ूंगा बोल के, जाते जाते फुस्ट हो गया, 90% फिनिश, 10% ही एनर्जी बचा है। इतना ऊपर में है हमसे चरा नहीं जरे, लोग पता नहीं कैसे खेत वगैरह कर लेते हैं और उसकी कल्टीवेशन कर लेते हैं। चलो अभी हम लोग चले जाते हैं यहाँ से, नहीं होगा। तो भाई दिखा दिया थोड़ा सा, आप लोगों को समझ में आया होगा जो हम लोग जूम कल्टीवेशन होता है कैसे करते हैं। अभी हम लोग जाएंगे मछली पकड़ने, चलो। अभी आप लोगों ने देखा कितना मुश्किल है, लेकिन ये लोग जो है बहुत नॉर्मली कर लेते हैं। तो ये लोग का लाइफ कितना हार्ड है आप लोग समझ ही सकते हो। और आते ही भाई ने जो पता नहीं कहाँ से तोड़ के लाया अमरूद, तो अभी खाते हैं अमरूद। मेरे घर पे तो अमरूद पूरा गिर रहे यार, कोई अगर है तो जाके खा लो, अभी मेरे घर पे पूरा परे हुए बहुत थक गया। यहाँ पे रोड पुराना गांव में अच्छा सा रोड कनेक्टिविटी भी था, फैसिलिटीज वगैरह अच्छे से मिलते थे, यहाँ पे रहने से बहुत बढ़िया था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोग को दूसरा गांव में शिफ्ट करा दिया, फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं दे रहे हैं अभी, तो बहुत बुरी बात है ये। तो यहाँ पे जो है खेत पे रहते हैं ये चाचा जी बिल्कुल अकेले अकेले, देखो इतना बोरिंग सा। हिंदी समझ में आता है ना? नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है बोल रहे। ये जो है हमारे कृपा भाई के चाचा है, तो ये अंकल है। अंकल हाँ, ये जो है इसके भैया है, ये छोटा भाई है बिल्कुल असली वाला, और ये इनका चाचा जी। बहुत बोरिंग से रहते हैं, क्या करे, रहना ही पड़ता है, अभी क्या ही कर सकते हैं। इधर से पूरा बोरगांग दिखता है, एकदम बढ़िया सा भरा सा नदी, और साइड में यहाँ पे उसका छोटा सा घर। हुत्ती से पानी पियेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है जुम्मा कल्टीवेशन में जो है आने से ये जरूर से ट्राई करना, मिजोरम पे स्पेशली जब भी आते हो ये हुट्टी जो है जरूर से ट्राई करना। ये हम लोग हुट्टी कहते हैं, इसमें पानी एकदम कूल रहता है, नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करता है। ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से है, अच्छा। तो रूपम भाई को भी जो हुट्टी होता है उसी से पानी पीने के लिए उतना मतलब अभी उसको आता नहीं, पानी गिरा देता, पानी गिरता है सुसु कर दिया इधर। लेकिन हम लोगों के लिए पूरा डेली लाइफ होता है, वो डेली पीते हैं, बचपन से पीते हैं, तो हम लोगों को पूरा आता है, एक्सपर्ट है लोग। चाचा जी के घर से भी हम लोग आ चुके हैं, अभी जाएंगे मछलियां पकड़ने के लिए, जिस काम के लिए आए हैं उसी काम के लिए जाते हैं अभी। मैं बहुत एक्साइटेड तू मछलियां देखने के लिए, वो भी एकदम बड़े बड़े वाले मिलते हैं ना, इसीलिए चलो अभी चलते हैं। हम लोग जो एक्चुअली दोस्तों उस दिन आए थे ना ये वाले रास्ते से आए थे, ये वाले नदी से, हम लोग अभी वो वाली नदी से आ रहे हैं। देखो ये जो है बोरगांग, जब दोनों मिलते हैं एक ही साथ में तभी बोरगांग बनता है। ये देखो अभी उस पार में गए हैं भैया लोग, वहाँ पे जो है धूप रखा हुआ है, तो अभी चेक करेंगे कहाँ पे मिलता है मछली। अभी पहुंच चुके हैं दोस्तों धूप के पास, भैया लोग उठा रहे, अभी देखते हैं मछली मिलता है कि नहीं, ये पहला यात्रा होगा। वाह इतना दूर तक, मुझे लगा था सामने होगा। वाह और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लगाए हुए हैं धूप,
अभी देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। अरे बहुत लंबा चौरा है यार, मिल जाओ सिम सिम, चल चल चल, है नहीं है, फ्लॉप हो गया फ्लॉप। ठीक है कोई बात नहीं, और भी है ना, और 10-15 तो होंगे शायद, बहुत ज्यादा है, किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा। अभी फिर से दूसरी वाली धूप पे आ चुके हैं दोस्तों, अभी मिलता है कि नहीं देख लेते हैं। देखो आजा 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 भाई मछली आजा, इसमें भी फ्लॉप हो गया रे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज मिलना चाहिए। और इतना बड़ा पत्थर देखो वहाँ पे बांध के रखते हैं। तो कृपा भाई लोग जो है उस पार में गए हैं मछली ढूंढने के लिए और हम लोग है इस पार में। तो भैया अभी एक चेक कर रहे हैं, तो अगर लकी हुआ तो इसमें मिल जाएगा, जरूर से मिल जाए, ओम नमः स्वाहा मिल जाए। वाह पूरा फंस गया ये, कहाँ पे जाके फंस गया पूरा। चलो अभी देख लेते हैं, लकी हुआ तो इसमें जरूर से मिल जाएगा। चलो 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 आजा मछली आजा मछली आजा। अरे नहीं है यार, इसमें भी क्या हो गया, आज नहीं मिल रहा है। तो वहां पे एक धूप और है दोस्तों, बहुत सारे धूप देख लिया लेकिन नहीं मिल रहा, पता नहीं हम लोग का लक में होगा कि नहीं। ये वाला देख लेते हैं अभी, निकालो निकालो 12 नंबर वाला, ये 12 तो उतार चुका है, अभी ये वाला। अरे है, अरे बाप रे है, एक है बढ़िया वाला। यहाँ पे देखिए दोस्तों अंदर में जो है एक मछली मिला हुआ है, ये पता नहीं 1 किलो के आसपास में होगा, अभी हमारा कृपा भाई निकालेगा। 1 किलो नहीं होगा, 1 किलो नहीं होगा ना, बहुत बढ़िया है यार। चलो देख लेते हैं अभी मछली को निकालेगा और इसको कैसे बांध के मतलब लेके जाते हैं, वो भी बिल्कुल जिंदा। अभी देखिए दोस्तों वाह, ये देखो मछली को निकालने का बाद वहाँ बांध के लेके जाते हैं। हम लोग तो जो है पॉलिथीन वगैरह में कुछ बैग वगैरह में डाल के लेके जाते हैं, लेकिन इसे देखो रस्सी से बांधेंगे, उसके बाद इसको नदी में ही छोड़ देंगे। वाह क्या टेक्निक है यार, इसलिए घूमना चाहिए, जगह जगह में नया नया टेक्निक आप लोग को सीखने को मिल जाते हैं। पहले भी एक अच्छा, और अरे उसमें भी एक है, अरे दो तो हो चुके हैं, अरे बाप रे, दो नहीं जो हो गया। अच्छा भाई आज का तो दिन बन चुका है यार, मैंने सोचा था मतलब मिलेगा कि नहीं, लेकिन कहीं तो दिल में मतलब था कि मिलेगा और दिन बन गया आज। और भी आगे बहुत सारे है धूप, तो अभी देख लेते हैं और भी मिलते हैं कि नहीं। अभी फिर से दूसरा वाला मिला है दोस्तों, अभी देखते हैं इसमें मछलियां मिलते हैं कि नहीं। इतना बड़ा वाला मिला है, मजा आ गया मजा आ गया, इतना बड़ा मछली, वो मजा आ गया भाई। देखिए दोस्तों इतना बड़ा मछली मिला है, ये तो 1.5 किलो के आसपास में होगा। इतना बड़ा मछली भाई, मजा आ गया। हम लोग सिर्फ 3 उठाया, 3 में मिल गया ना, हम लोग लकी है। बहुत बड़ा है ना भैया। हाँ चलिए निकालिए, अभी बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ फिशिंग है दोस्तों, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये भैया का है, ये आपका है ना भैया, अरे आप तो मालामाल हो गया आज। ये देखो अरे अरे गिर मत जाना कहीं, बहुत बड़ा है मछली और ताकत भी है बहुत ज्यादा इसमें ना, ताकत भी है। ये देखो अभी इसको बांध के रस्सी से बांध के जो है पानी में ही डाला जाएगा फिर से, तो हम बहुत ही बड़ा मछली है, मजा आ गया। इसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, छोटा मोटा इन्फेक्शन नहीं, एक्चुअली इसमें पूरा चोट खाया होगा, इसने निकलने का कोशिश किया होगा उस कारण लगा है। अभी देखो इसको पानी में जो है फिर से देख के जिंदा रखने के लिए इसको बांध के लेके जाते हैं। भाई डर नहीं लगता है भागने भागने का, अच्छा बांधने का तरीका एकदम बढ़िया है ना। गिर गया भैया, ज्यादा मछली मिला है, एक्साइटमेंट हो गया भैया। 3 तो मिला है आज, बड़ा बड़ा मछली एकदम। खुशी हो गया ना, आज तो पार्टी वार्टी चलेगा होगा भैया का। अभी फिर से एक और चेक कर रहे हैं हम लोग, और लकी हुआ तो इसमें भी मिलेगा एकदम बड़ा वाला। है इसमें है, अच्छा है, है। ओ ये दूसरा टाइप का मछली है, ये देखो, ओ मजा आ गया। आज तो अलग अलग तरह के मछलियां देखने को मिल रहे हैं हमें, इसमें कांटे होते हैं क्या, अरे कांटा मार देगा ये, देखिए ये क्या क्या मछली था, इसका नाम गाउन मास,
अच्छा वाह, बंगाली में आयर बोलते हैं, आयर मास। आजा भाई, हम लोग तो बहुत लकी है ना, हम लोग को मिलते रहता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कैसा बिल्कुल मगरमच्छ की तरह मुंह है इसका, ये वाला मछली। अरे अरे अरे, पकड़ लिया। ये देखिए आयर मास कहते हैं इसे। अभी फिर से दूसरा वाला चेक कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत लकी, हमें बहुत मिल रहा है यार, दो तो मिल चुके हैं बहुत कम समय में। वो लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें केवल एक तो ही मिला है। आई थिंक इसमें भी होगा शायद। आ जा रे मेरे पास, जल्दी आ जाओ। एक बड़ा वाला मछली नेके है, नेके बा। हाँ, अभी इसे ऐसे ही फेंक के जाएंगे दोस्तों, फिर से जो है कल चेक करने आएंगे, इसमें भी घुस जाएंगे मछलियाँ। और है, अच्छा और एक तो है वहाँ पे। तो एक्चुअली जो है अभी हमारा जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमें जाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा ही बचा है ना, तो हमें जाना पड़ेगा। वो लोग जो है वहाँ पे और भी देखेंगे मछलियाँ, लेकिन हम लोग वेट नहीं कर सकेंगे, जाना पड़ेगा हमें। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और यहाँ पे एक तो अंकल जो है वो भी फिशिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जो है लोग ऐसे ही फिशिंग करते हैं। नहीं मिला, नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। अभी फिर से हम लोग दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे एक आइलैंड है, तो ये बड़ा सा आइलैंड जो है, इसी आइलैंड के किनार किनारे पे जो है धूप लगे हुए हैं, तो वहीं पे चेक करेंगे अभी। वाह, यहाँ पे तो पानी बहुत ही गहरा है और बिल्कुल करंट आता रहे। इस साइड में जो है धूप लगाया हुआ है, देख सकते है। हाँ वाह, नहीं है इसमें, पूरा ग्रासेस लग चुके हैं इसमें। अभी फिर से दूसरा वाला, इसमें तो होगा। अरे क्लियर लग रहा है। आजा 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 मछली, आजा, 1 2 3 मछली, आजा। नहीं है भाई, फ्लॉप हो गया। बारिश शुरू हो चुकी है। फिर भी फिशिंग करते रहेंगे ना। आज का जो फिशिंग है दोस्तों वो हो चुका है कंप्लीट, बारिश भी हो रही है तो अभी रुक गए हैं। एक्चुअली आज टोटल 4 मछली मिले थे। 2 भैया को, भैया वो लेके गए हैं, वो दूसरी वाले भैया फिर से वो लोग गए हैं दूसरी वाली तरफ पे फिशिंग करने के लिए, लेकिन हमें ये मिला और ये वाला। आजा आजा दरिया वाले भाई साहब, इधर आजा एक मिनट। ये देखिए, ये दोनों मिला है आज हमें। यहाँ पे एक मछली मिला है दोस्तों, अभी इसको वेट कर रहे हैं बेचने के लिए। जैसा हम लोग को मिला था बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। यहाँ पे जीजा को देखिए, खुशी के मारे गिर गया था, तो कहीं पे चोट लग गया इसलिए दवाई ले रहे हैं। दवाई ले रहे हैं। यहाँ पे जो फार्मेसी वगैरह नहीं मिलते, तो ये जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है सर दर्द का, बुखार का, वही सब यहाँ पे मिल जाती है। अभी लीजिए, शाम को मोटा मोटा रकम मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मछली जो है हम लोग बोट के ओनर को देके जा रहे हैं। कृपा भाई ने बोला है कि उसको भी एक देके चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बार बार हम लोग लेके जाते हैं। कल भी लेके जाने वाला है, कल जाने वाला हम लोग मातृसोरा ना, उस जगह का नाम, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे दुकान पे काफी देर तक हम लोगों ने रेस्ट कर लिया, अभी जाएंगे उस पार, घर पे जाके नहाएंगे धोएंगे, उसका फ्रेश अप होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद शाम को डिनर पे खाएंगे मछली। चलो अभी सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। हम लोग इस पार में आ चुके हैं और ये देखो मछली मेरे हाथ में है, तो इसी के साथ आज का डिनर बनेगा, बहुत ही बढ़िया। ये वाला पहली बार ट्राई करूंगा मैं यहाँ आने के बाद, वैसे ये वाला जो है हमारे उधर में मिलता भी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम होगा मेरे लिए। और ये देखो, यहाँ पे चढ़ने के लिए मुश्किलें आ रही है मेरे को। इस मछली को पकाने के लिए जो है बम्बू लेके जाएंगे हम लोग, क्योंकि बम्बू में पकाएंगे। अभी घर पहुंचने के बाद अपना कृपा भाई जो है मछली की साफ सफाई कर रहा है। छोटा-छोटा पीस बनाना है। अच्छा, उसका बम्बू में पकाना है ना। हाँ, उसके बाद बम्बू के अंदर डालेंगे। अच्छा, बाग जाता है।
यहाँ पे मछली को जो है एकदम पीस पीस कर दिया है, बम्बू में पकाएंगे, उसको डिनर में खाएंगे, मजा आएगा। किम जोंग नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे देखो मछली को बम्बू के अंदर में भी डाल दिया है और अभी आग में दे दिया, वाह तो मजा आएगा ना। अभी बम्बू मछली पक्के हो चुका है, तैयार, निकाल रहे हैं, देखो हमारे कृपा भाई, वाह जूस पूरा निकल रहा है। ओ भाई साहब ये देखो एकदम टेस्टी टेस्टी, लेकिन बारिश बहुत हो रही है ना। ये देखो अभी डिनर करेंगे, पूरा सब्जियां रेडी है, अभी डिनर करते हैं दोस्तों। और कल का ये बचा हुआ था एक गिलास, मैं दो दिन तक इससे पी नहीं पा रहा हूँ, एक गिलास करके पी रहा हूँ शाम को, हर शाम। तो अभी करते हैं आज का डिनर, बहुत ही मजा आने वाला है तो पूरा परिवार वाले मिल के। अभी हम लोग का डिनर भी हो चुका है दोस्तों, एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मतलब यादगार रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। एकदम यूनिक सा फिशिंग, बिल्कुल इको फ्रेंडली वाला जो है फिशिंग है, वो मजे ही आ गए मुझे। और इतने बड़े बड़े वाले मछली देखने को मिले, जो कि मुझे कभी आज से पहले कभी देखने को मिले भी नहीं ऐसे वाला मछली, और ऐसा एक्सपीरियंस भाई गजब का एक्सपीरियंस था। तो आप लोग जरूर से आइए यहाँ पे भी ऐसा एक्सपीरियंस कीजिए। और कल हम दूसरे गाँव पे जाएंगे जिसका नाम है मातृसोरा, तो वहाँ पे जाके भी एकदम बड़े बड़े जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।